देख रहे हैं यूपी क्राइम न्यूज, अपराध के खिलाफ जंग। आपको बताया था कि नवरात्रि व मंगलवार को होने वाले विसर्जन के मद्देनजर आज शहर में पुलिस प्रशासन ने फ्लैग मार्च का बांदा के वासियों को नवरात्रि के पर्व को शांतिपूर्वक समापन किए जाने का भरोसा जताया। वहीं भारी संख्या में पुलिस बल साथ लेकर सीओ सदर राघवेंद्र सिंह आवगाही में पूरे शहर में मार्च किया। तकरीबन 3 घंटे तक सैकड़ों की तादाद पुलिस के जवान हूटर और सायरन बजाती गाड़ियों के साथ शहर के सभी मुख्य मार्च करते रहे। इस संबंध में सीओ सदर राघवेंद्र सिंह का कहना है कि शहर में किसी विवाद की स्थिति नहीं है और दोनों पक्षों के संपर्क में प्रशासन है और पूरी तरह मुस्तैद है। ये देखिए, माता दुर्गा का जो विसर्जन होना है 8 तारीख को, उससे पहले पूरे शहर में उनका जुलूस घूमता है, उनकी सवारियां घूमती है। तो हर बार की तरह पुलिस के द्वारा ये रूट मार्च किया जा रहा है कि कोई दूर से दिक्कत ना हो, कोई समस्या ना आने पाए, और अगर समस्या है तो बाटा महोदय के निर्देशन में हम लोगों के द्वारा ये फ्लैग मार्च रूट मार्च किया गया है और आगे भी ये कंटिन्यू अभी 2 दिन जारी रहेगा। और आखिरी दिन जैसा कि विसर्जन है ही, पुलिस के द्वारा 100% सजगता इसको बरती जा रही है और बिल्कुल सही तरीके से, सुरक्षित तरीके से उसको करवाने का प्रयास और भी अच्छी तरीके से करवाने का। बांदा से संवाददाता विष्णु सिंह की रिपोर्ट, यूपी क्राइम। आप देख रहे हैं यूपी क्राइम न्यूज, अपराध के खिलाफ जंग।